बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? आज मैं आपको 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी, जिसका नेम है हमारे पास बायनोमियल नॉमन कलिएचर। बेसिकली ये जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें हम साइंटिफिक नेम को, मतलब के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम बायोलॉजी में या बायोलॉजिस्ट जो हैं उसको इस नेम के थ्रू क्या करते हैं, बुलाते हैं। लाइक साइंटिफिक नेम, लाइक जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में फ्रॉग वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसका साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या था? राना टिग्रीना। और ये बेसिकली आया कहाँ से था? बायनोमियल नॉमन कलिएचर एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायनोमियल नॉमन कलिएचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस लीनियस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नॉमन कलिएचर। एक साइंटिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था हमारे पास, स्वीडिश कार्लस लीनियस था, जिसने जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था बायनोमियल नॉमन कलिएचर को। अब इसकी अगर डेफिनेशन अगर आपसे पूछें तो आपने बताना है बायनोमियल नॉमन कलिएचर एक ऐसा मेथड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है। लाइक बायनोमियल नॉमन कलिएचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम ले रहे हैं तो उसको किस मेथड के थ्रू या किस चीज़ से जो है हमें फर्क से पता चलेगा कि ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। अगर जैसे कि एक साइंटिफिक नेम है हमारे पास एलियम सीपा, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑनियन, यानी कि प्याज का साइंटिफिक नेम क्या है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? एलियम सीपा। तो एलियम सीपा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि स्पीशीज को दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज जीनस एंड सेकेंड वन इज स्पीशीज। साइंटिफिक नेम, कोई भी साइंटिफिक नेम अगर आप देखें, लेट्स सपोज ये इसका नहीं मैं कह रही, नॉर्मली लाइक ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है, उसमें भी टू वर्ड्स आते हैं, फर्स्ट वर्ड इज फर्स्ट टर्म इज जेनस एंड सेकेंड वन इज स्पीशीज। तो अगर ओनियन का देखें तो एलियम हमारे पास क्या है? जीनस है, एंड सीपा हमारे पास क्या है? स्पीशी है। द साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, द फर्स्ट इज जीनस नेम एंड द सेकेंड वन इज द नेम ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? जब ये बायनोमियल नॉमन कलिएचर का मेथड जो है अडॉप्ट किया गया तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्टली, रैपिडली क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, और इसके बहुत से नेम्स जो हैं अब भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम इसके रूल्स की तरफ आएँ तो इनको, नेम्स को लिखने का भी सम रूल्स हैं, या इसको अगर हम देखें तो हमें पता चल जाए कि ये क्या है, इस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंटिफिक नेम प्रिंटेड इन इटैलिक्स। प्रिंटेड का मतलब क्या है कि अगर हम साइंटिफिक नेम प्रिंट करना है किसी भी, यानी कि कंप्यूटर पे या किसी भी ऊपर टाइप करेंगे हम, तो उसकी लैंग्वेज हमारे पास इटैलिक फॉर्म में उसको हम लिखेंगे। इटैलिक कौन सी होती है? एक तो बिल्कुल ये स्ट्रेट है ना राइटिंग, एक होती है थोड़ी सी मतलब कि इस तरीके से तिरछी करके, वो कंप्यूटराइज होती है, कंप्यूटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, दिस इज इटैलिक। तो इसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे। और अगर हमें हैंड रिटन लिखना पड़े, लाइक जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइंड करेंगे। सेकंड जो रूल है हमारा ये है कि फर्स्ट टर्म जो है हमेशा क्या होती है? कैपिटल होती है, एंड फर्स्ट टर्म इज जीनस। एलियम इज द फर्स्ट टर्म एंड इसको हम जीनस भी कहते हैं, और इसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा हमारे पास? कैपिटल होगा। एंड सेकंड क्या चीज़ है? वाइल सेकंड टर्म इज नेवर कैपिटलाइज्ड। अब जैसे कि हमारे पास सेकंड टर्म आ रही है सीपा, दिस इज नॉट कैपिटल। वाई? बिकॉज इनके रूल्स में उन्होंने बताया है कि ओनली फर्स्ट टर्म क्या करेंगे हम? कैपिटल लिखेंगे, और सेकंड टर्म जो है हमारे पास क्या आएगी? स्मॉल आएगी, उसको हमने कैपिटल नहीं करना, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या आएगी? स्पीशी की आएगी। थर्ड रूल है हमारे पास, और लास्ट रूल ये है कि अगर साइंटिफिक नेम को हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ उसमें
साइंटिफिक नेम बार बार, एक ही साइंटिफिक नेम बार बार रिपीट हो रहा है, तो अब ये नहीं है कि उसको बार बार जो है हम मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम उसका हम फुल नेम लिखेंगे और आगे आगे जो है उसको सिर्फ और सिर्फ उसका फर्स्ट वर्ड यानी कि जीनस का फर्स्ट वर्ड लिख के आगे उसकी स्पीशी लिख देंगे। लाइक एस्केरिया कोलाए, ये एक पूरा जो है साइंटिफिक नेम है, तो अगर ये बार बार यूज होगा तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ई कोलाए। उसके बाद अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की तरफ आ जाएं तो वो तो ऐसे मैंने इसे मेंशन नहीं की, लेकिन ऐसे जितनी वो जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में जो है डिफरेंट तरह के जो है नेम्स हैं, और सेम नेम डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कॉमन नोम के नेम कोज मैनी प्रॉब्लम्स, लाइक जैसे कि प्याज है हमारे पास, इसका जो है नेम जो है डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट, यानी कि पाकिस्तान में अगर देख लें तो प्याज को बहुत से नेम से बुलाया जाता है। लाइक प्याज का जो है गंडा भी कह देते हैं उसको, वैसल भी, ये सारा कुछ क्या है, इसके नेम्स हैं। लेकिन अगर इसका साइंटिफिक नेम हम देखें तो वो क्या है, एलियम सीपा है। तो ये इसका, ये चीज़ हमें जो है इसकी सिग्निफिकेंस है कि हमारे पास एक इसका सिर्फ एक प्रॉपर नेम आ गया है, साइंटिफिक नेम आ गया है, जो कि इसकी स्पीशी को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और दिस इज एलियम सीपा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे इर्गिर्द जैसे कि ये क्रो, हाउस क्रो है, तो हाउस क्रो को जो है ऐसा हम लोग ब्लैक बर्ड के तौर पे भी यूज़ करते हैं या क्रो कह देते हैं, लेकिन असल में इसको जो है मतलब कि इसका ऐसा जो नेम, लाइक अब देख लें अगर मैं आपको बताऊं, ह्यूमंस है, ह्यूमंस को अगर हम देखें साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका जो साइंटिफिक नेम क्या आएगा हमारे पास, होमो सेपियंस आएगा। इसी तरीके से 2 से 3 जो हैं, ट्राई करें स्टूडेंट्स के आप लोग कुछ जो है नेम, साइंटिफिक नेम्स प्रिपेयर कर लें, याद कर लें, क्योंकि आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी जो है क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।